पाली सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के दो व्यापारियों को करीब 24 किलो चांदी और 8,10,000 रुपए के कैश के साथ पकड़ा, जिसमें 14 किलो चांदी की सिल्लियां और 10 किलो चांदी के जेवरात आभूषण हैं। पुलिस ने चांदी का बिल नहीं होने पर चोरी की आशंका के चलते सीआरपीसी की धारा 102 के तहत चांदी, नकदी और कार जब्त कर दोनों व्यापारियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चांदी की बाजार कीमत 24,72,000 रुपए बताई जा रही है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के दो व्यापारियों को 24 किलो चांदी और तकरीबन 8,00,000 कैश के साथ पकड़ा है, और वहीं उनके द्वारा कुछ स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। आकांक्षा, बताना चाहूंगा कि जाडन टोल निकट टोल नाके के पास पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान ब्यावर की तरफ से एक लग्जरी कार में सवार लोगों पर पुलिस को शक हुआ तो उनको रोका गया। इस दौरान कार की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 14 किलो तो चांदी की सिल्लियां और 10 किलो करीब जेवराती चांदी के जेवर मिले, और तो वहीं 8,10,000 रुपए कैश मिला पुलिस को। इसका बिल मांगा गया तो बिल नहीं होने की बात कही गई। पुलिस ने पूरे संदिग्ध मानते हुए चांदी कैश रुपए और कार को चांदी का बिल नहीं होने पर चोरी की आशंका के चलते पुलिस द्वारा सीआरपी की धारा 102 के तहत चांदी रुपए और कार जब्त कर ली गई। तो वही इस पूरे मामले में शांति भंग के मामले में गुजरात के जिला को पुलिस ने आकांक्षा गिरफ्तार कर लिया है। उनसे गहन कर पूछताछ भी की जा रही है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के दो व्यापारियों को तकरीबन 24 किलो चांदी और तकरीबन 8,00,000 रुपए के कैश के साथ गिरफ्तार किया।